अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें प्रचार मंत्री करार दिया है और कहा है कि कोविड वैक्सीन के मुद्दे पर वह जनता के बीच में भ्रम फैला रहे हैं। इसके साथ ही गौतम गंभीर ने कहा है कि आप भले ही मेरे खिलाफ कितनी भी याचिकाएं दायर कर लीजिए, मैं जनता की सेवा करता रहूंगा। आपको बता दें कि अपने जो उनका सांसद का कार्यालय है वहां से लोगों को जीवन रक्षक दवाएं, खासतौर पर कोविड से बचाव की जो दवाएं हैं वो वितरित करने को लेकर उनके खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच करने के लिए कहा है। इस मुद्दे पर गौतम गंभीर ने क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे चक्रवाती तूफान ग्यास की, उसने किस तरह ओडिशा और पश्चिम बंगाल में नुकसान पहुंचाकर झारखंड की ओर रुख कर लिया है, इस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गौतम गंभीर की। कोविड 19 दवाओं के वितरण को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय की आलोचना का सामना कर रहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर ने कहा है कि भले ही उनके खिलाफ हजारों जनहित याचिकाएं दायर करती जाएं, लेकिन वह लोगों की जान बचाना जारी रखेंगे। पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद ने कहा कि उन्होंने वही किया जो उन्हें लोगों की सेवा के लिए आवश्यक लगा और वह किसी भी सजा का सामना करने के लिए तैयार है। गौतम गंभीर ने संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा, मैंने जो दवाएं बांटी थी वे उस समय की जरूरत थी, एक नहीं, यदि मेरे खिलाफ हजारों जनहित याचिकाएं दायर की जाएं तो भी मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा और उनकी जान बचाने की कोशिश करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि वह अदालत के फैसले को स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि जब भी ऐसा अवसर आएगा वह फिर से ऐसा करेंगे। गौतम गंभीर ने कहा, सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि दिल्ली में दुकानों पर दवाएं क्यों नहीं उपलब्ध थी और अस्पताल में बिस्तरों पर ऑक्सीजन की कमी क्यों थी। मैं लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूं, जो मैंने की। उल्लेखनीय है कि अदालत ने किल्लत के बीच कोविड 19 दवाओं को राजनीतिज्ञों द्वारा थोक में खरीदने के मुद्दे की जांच करने के सोमवार को दवा नियंत्रण को निर्देश दिए थे। गौतम गंभीर अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, सांद्रक और कोविड दवा फेविफ्लू के वितरण में शामिल रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अदालत के आदेश के तहत इस संबंध में उनका बयान भी मांगा है। गौतम गंभीर ने कहा कि वह लोगों के जीवन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि मानवता उनके लिए सबसे बड़ा धर्म है। गौतम गंभीर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वह वैक्सीन के मुद्दे पर लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, मेरा सवाल दिल्ली के मंत्री से, मुख्य इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मुख्य वर्ड बहुत छोटा है लेकिन मायने बहुत बड़े हैं। मुख्य का मतलब है ईमानदारी, मुख्य का मतलब है जिम्मेदारी, मुख्य का मतलब है इंसानियत, मुख्य का मतलब है सच्चाई और मुख्य का मतलब है लोगों का दर्द समझना और उनके दर्द के वक्त में उनके साथ खड़ा होना। और ऐसा एक भी गुण दिल्ली के विज्ञापन मंत्री में नहीं है, क्योंकि अगर गुण होता तो शायद दिल्ली की आज ये हालत तो होती। और कमाल की चीज़ है ना राजनीति और नाकामी, कि जो अपने आप को दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई, दिल्ली का मसीहा कहता था, आज वही व्यक्ति उन्हीं माओं के, उन्हीं बहनों के कंधे पे चढ़ के राजनीति कर रहा है। और इंसान अपनी नाकामी छुपाने के लिए किस हद तक गिर सकता है, ये अगर आपको सीखना है तो दिल्ली के विज्ञापन मंत्री से सीखिए। कि जब प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये पूरे देश की जनता को बताया है कि दिसंबर तक 200 करोड़ डोजेस इस देश में आ जाएंगे, इस देश की सारी जनता वैक्सीनेट हो जाएगी, इसके बावजूद इतना पैनिक फैलाना, इतना डर का माहौल फैलाना, क्या ज़रूरत है इसकी? और राजनीति करने के लिए तो आपके पास पूरी ज़िंदगी है, ये वक्त नहीं है राजनीति करने का, ये वक्त है एक दूसरे की सेवा करने का, इस देश को इस महामारी से निकालने का। और यही तो वो व्यक्ति है जिसने ये बोला था कि हम इस वैक्सीनेशन पे, हमारे को ट्रस्ट नहीं है, इसके ट्रायल नहीं हुए, ये फुल प्रूफ नहीं है। और जब शुरू में इस व्यक्ति को ये वैक्सीनेशन दी गई, जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए ये वैक्सीनेशन आई थी, तो यही व्यक्ति था जो कितनी डोजेज दिल्ली में एक्सपायर हुई हैं, और आज यही व्यक्ति है जो सेंटर को कह रहा है कि हमारे को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। अगर इतनी सच्ची नीयत थी और इतने ही आप दिल्ली की भलाई चाहते हो, तो उस वक्त पे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए ये डोजेज दी गई थी वैक्सीनेशन की, इसको एक्सपायर होने की
जगह अगर आप इसको नॉर्मल लोगों में डाइवर्ट करते तो शायद दिल्ली की लोगों की ये हालत नहीं होती, लोगों को इतनी अपनी जान गंवानी ना पड़ती। और हर वक्त पे राजनीति, हर वक्त पे, मतलब हर चीज़ पे राजनीति। कभी तो किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे, और जिम्मेदारी क्यों लेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी लेने के लिए बहुत सच्चाई की ज़रूरत है। आदेश जी ने यह भी बताया कि किस तरीके से कि दिल्ली की जनता को सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन मिली है केंद्र की तरफ से, उसके बावजूद ये बोलते जाना कि हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, हमारे को वैक्सीनेशन नहीं मिल रही, किसको बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन आज मैं ये भी जानता हूँ कि वो इसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन 4 साल बाद दिल्ली की जनता ज़रूर इसका जवाब मांगेगी, और आप भी लोग यही सवाल उनसे पूछेंगे। शायद आज आप ना पूछें, लेकिन आगे आने वाले समय में ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि ये लड़ाई अगर हम जीत सकते हैं तो सिर्फ मिल के जीत सकते हैं। यहाँ पर कोई ये नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी की जिम्मेदारी है, केंद्र की, सबकी जिम्मेदारी है, ये देश सबका है। तो हर चीज़ सिर्फ केंद्र पर फैलाना गलत है, हर चीज़ केंद्र पर डालना गलत है। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप हमसे सवाल पूछते हैं ना, और हम सामने खड़े होकर जवाब देते हैं हर सवाल का, क्योंकि सवाल का जवाब वही दे सकता है जिसको किसी चीज़ का डर नहीं होता, जिसको कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं होती। सवालों से वो भागते हैं जिनके दिल में खोट होता है, जिनकी नीयत साफ नहीं होती। तो सवाल ये आप उनसे पूछिए कि क्यों हर चीज़ पर राजनीति की जा रही है, वैक्सीनेशन पे। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में किसी और देश ने वैक्सीनेशन पर राजनीति करी है, जिस तरीके की घनौनी राजनीति हमारे दिल्ली के विज्ञापन मंत्री कर रहे हैं। उधर चक्रवाती तूफान यास की बात करें तो उत्तर ओडिशा और पड़ोसी पश्चिम बंगाल में 130 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ समुद्र तटों से टकराने के बाद बुधवार दोपहर भीषण चक्रवाती तूफान यास कमजोर पड़ गया। तूफान के कारण इन दो पूर्वी राज्यों में निचले इलाकों में पानी भर गया। अधिकारियों ने बताया कि चक्रवात ओडिशा के भद्रक जिले में धामरा के उत्तर और बहनागा ब्लॉक के निकट बालासोर से 50 किलोमीटर दूर तट पर लगभग सुबह 9 बजे टकराया। उन्होंने बताया कि चक्रवात के पहुंचने की प्रक्रिया दोपहर 1:30 पर पूरी हुई। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त पीके जेना ने बताया कि बालासोर जिले के बहनागा और रेमुना ब्लॉक और भद्रक जिले के धामरा और वासुदेवपुर के कई गांवों में समुद्री पानी घुस गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन स्थानीय लोगों की मदद से गाँव से पानी निकालने के वास्ते कदम उठा रहा है। जेना ने कहा कि मयूरभंज जिले के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में भारी बारिश के कारण बुधलबंग नदी में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई गई है। दोपहर में नदी का जल स्तर 27 मीटर के खतरे के स्तर के मुकाबले 21 मीटर पर था। उन्होंने कहा कि मयूरभंज जिला प्रशासन ने नदी के दोनों तरफ स्थित कुछ इलाकों और बारीपदा शहर के कुछ निचले इलाकों को खाली कराना शुरू कर दिया है। जेना ने कहा कि तार कटने के बाद जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और जाजपुर जिले में कुछ जगहों पर बिजली लाइनों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि इन जिलों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि केनोचर जिले के अनादापुर प्रखंड के पंचुपल्ली गांव में एक व्यक्ति की मौत पेड़ गिरने से हो गई, लेकिन मौत की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। युवक की पहचान पूर्ण चंद्र नायक के रूप में हुई है। जेना ने बताया कि पेड़ गिरने से बालासोर जिले में एक व्यक्ति घायल हो गया। उन्होंने बताया कि शाम तक हवा की गति धीमी हो जाएगी और आधी रात तक चक्रवात ओडिशा से झारखंड की ओर बढ़ जाएगा। ओडिशा के संवेदनशील क्षेत्रों में 5.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थलों पर पहुंचाया गया है और पश्चिम बंगाल में 15 लाख लोगों को शरण स्थलों पर पहुंचाया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में चक्रवात से 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि चक्रवात के कारण 3 लाख मकान क्षतिग्रस्त हो गए। उन्होंने दावा किया कि चक्रवात के कारण राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा, इस प्राकृतिक आपदा से बंगाल में कम से कम 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक 3 लाख मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। एक व्यक्ति की दुर्घटनावश मौत हो गई। उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाकों में 10 करोड़ रुपए की राहत सामग्री भेजी गई है। उधर एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि ओडिशा के बालासोर जिले के साथ सीमा साझा करने वाले पूर्वी मिदनापुर के दीघा पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और राहत और बचाव कार्यों के लिए सेना को बुलाया गया है। रक्षा अधिकारी ने बताया कि सेना ने राज्य प्रशासन की मदद के लिए पश्चिम बंगाल में 17 कॉलम तैनात किए हैं। उन्होंने कहा कि सेना द्वारा राहत और बचाव अभियान हावड़ा जिले के आरकुली में भी चलाया जा रहा है। इसमें ममता बनर्जी ने राज्य में खासकर पूर्वी मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, पश्चिमी मेदिनीपुर, हावड़ा, हुगली, पुरुलिया और नादिया के लोगों से घरों में रहने की अपील की है।
मुख्यमंत्री ने कहा, लगभग पूरे पश्चिम बंगाल में पानी भर गया है, कई तटबंध टूट गए हैं और समुद्र का पानी दक्षिण 24 परगना के सागर और गोसाबा जैसे क्षेत्रों और पूर्वी मिदनापुर के मंदारमणि, दीघा और शंकरपुर जैसे तटीय क्षेत्रों में घुस गया है। निचले इलाकों में व्यापक क्षति हुई है। अधिकारियों ने बताया कि सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल और राज्य पुलिस लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि कोलकाता के कुछ निचले इलाकों में पानी भरने की भी खबर है। मौसम कार्यालय ने पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर जिलों में भारी बारिश और झारग्राम, बांकुरा, दक्षिण 24 परगना जिलों में अगले 24 घंटों में बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई है। कार्यालय ने बताया कि यास के कारण पुरुलिया, नादिया, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली, कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश होगी। रांची में अधिकारियों ने बताया कि झारखंड में मध्य रात्रि चक्रवात के आने की आशंका को देखते हुए पहले से ही सतर्कता बढ़ती जा रही है। राज्य के निचले इलाकों को खाली कराया जा रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल ने बताया कि यास के मद्देनजर कुछ अन्य जिलों के अलावा पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के संवेदनशील इलाकों में युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। मौसम कार्यालय ने बताया कि राज्य के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में 92 से 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।